गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग भारत की एक झलक देखते हैं। भारत की एक अनूठी संस्कृति है और यह दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है जिसके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहत पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। इसकी जमीनी सीमाओं की लंबाई जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि यानी लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। आज हम लोग भारत के जो सात नाम हैं उस सात नाम में कौन कौन से नाम हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान और प्रचलित रहा है। इसी में भारत का असली नाम क्या है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल समझिए, भारतवर्ष या भारत नाम हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। आगे चलकर भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्हें चारों दिशाओं की जो है भूमि का स्वामी कहा जाता था। सम्राट भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा।